हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। बुलंदशहर एसएसपी का भ्रष्टाचार पर एक और प्रहार। 3 हेड कांस्टेबल और एक कांस्टेबल को निलंबित करते हुए चारों के खिलाफ दर्ज कराई गई एफआईआर। चारों पुलिसकर्मियों पर कुछ आम लोगों के साथ मिलकर आपराधिक गिरोह की तरह काम करने का आरोप। एसएसपी के मुताबिक भ्रष्टाचार की सीमा के अंतर्गत आता है चारों पुलिसकर्मियों के आचरण। थाना सिकंदराबाद में तैनात कुल 4 पुलिसकर्मी, जिनमें से 3 हेड कांस्टेबल हैं और 1 कांस्टेबल है, इनके बारे में अभिसूचना कुछ दिनों से प्राप्त हो रही थी कि एक आपराधिक गिरोह के रूप में कार्य कर रहे हैं और इनका आचरण भ्रष्टाचार की सीमा के अंतर्गत है। इस आधार पर इस प्रकरण की गहनतापूर्वक छानबीन की गई। प्राथमिक छानबीन से पाया गया कि जो आरोप लगाए जा रहे थे वो सत्य थे। इस आधार पर इनके विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा व 386 IPC के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कराया गया। अभियोग पंजीकृत होने के बाद तत्काल प्रभाव से इन्हें निलंबित किया गया है। अभियोग की विवेचना क्षेत्राधिकारी सिकंदराबाद ASP साहब को सुपुर्द की गई है। उनकी सहायता के लिए 2 इंस्पेक्टर और 1 सब इंस्पेक्टर की टीम अलग से उन्हें दी गई है तथा बहुत शीघ्र ही इस अभियोग की सार्थक विवेचना करते हुए साक्ष्य संकलित करने के बाद इनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। प्रथम दृष्टि आरोप सही पाए जाने पर आरोपियों के खिलाफ धारा 323, 386, 343 व 7/13 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत दर्ज कराई गई FIR। सिकंदराबाद ASP गोपाल चौधरी को सौंपी गई चारों आरोपियों की जांच। अपराध शाखा के निरीक्षक योगेंद्र कुमार और सर्विलांस टीम भी जांच में करेगी मदद। बुलंदशहर की सिकंदराबाद कोतवाली पर तैनात हेड कांस्टेबल संजीव मलिक, हेड कांस्टेबल जाहिर हुसैन, हेड कांस्टेबल योगराज सिंह व कांस्टेबल धीरज कुमार। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी के साथ शाकिर मलिक, 1024 न्यूज। Time 24 News, जज्बा सच दिखाने का।